हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ क्लास प्लस वन फ्रॉम द यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जैसा कि पता ही है कि हम सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पर हम वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ले रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन इसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर पी पी एम भी बोलते हैं और ये जो कंसनट्रेशन ट्रम है ये लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूशन के अंदर जब स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रजेंट होता है तब उसका पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है और इसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर कि मास ऑफ सोल्यूट प्रजेंट इन वन मिलियन पार्ट बाई मास ऑफ सोल्यूशन देखो वन मिलियन सोल्यूशन है और उसके अंदर जितना सोल्यूट है उसको बोल रहे हैं हम पार्ट्स पर मिलियन अगर हमने इसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है तब हम कह सकते हैं कि पी पी एम किसके बराबर है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू टेन रेज़ टू पावर सिक्स मतलब वन मिलियन नेक्स्ट ट्रम है मास फ्रैक्शन और ये ट्रम कुछ उसी तरह से है जिस तरह से मोल फ्रैक्शन थी उसी तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि मास ऑफ ए गिवन कंपोनेंट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन को भी हम एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करें हमने मान लिया कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके दो कंपोनेंट हैं ए और बी तो ए कंपोनेंट की मास फ्रैक्शन किसके बराबर होगी मास ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड में टोटल मास ए और बी दोनों का मास इसी तरह से मास फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट किसके बराबर है मास ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइड में टोटल मास अब हम कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजन फ्रॉम द फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं तो परसेंटेज कंपोजन क्या होती है परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन हंड्रेड पार्ट बाय मास ऑफ कंपाउंड और हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट किसके बराबर है नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड में मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड और मल्टीप्लाई में हंड्रेड वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम इससे रिलेटेड नूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं हमने क्या करना है कैलकुलेट करनी है परसेंटेज कम्पोसन ऑफ वेरियस एलिमेंट इन एम जी एस ओ फोर तो सबसे पहले हम मोलिकुलर मास यहाँ पर कैलकुलेट कर ले, लेते हैं तो एम जी एस ओ फोर का मोलिकुलर मास कितना होगा मैग्नीशियम का मास ट्वेंटी फोर सल्फर का थर्टी टू ऑक्सीजन का सिक्सटीन ऑक्सीजन कितने हैं फोर हैं तो यहाँ से मास कितना आ गया वन आ गया तो ईच एलिमेंट की हमने परसेंटेज कंबोजन कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम ले रहे हैं परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ मैग्नीशियम डिवाइड में मोलिकुलर मास ऑफ मैग्नीशियम और मल्टीप्लाई में हंड्रेड तो मैग्नीशियम का मास ट्वेंटी फोर है टोटल मास वन है और हंड्रेड से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से परसेंटेज कम्बोजन कितनी आई ट्वेंटी परसेंट इसी तरह से परसेंटेज ऑफ सल्फर तो नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ सल्फ़र डिवाइड में मोलिकुलर मास ऑफ सल्फर और मल्टीप्लाई में हंड्रेड सल्फर का मास थर्टी टू है टोटल मास वन ट्वेंटी है हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से परसेंटेज आ गई ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इसी तरह से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड में मोलिकुलर मास ऑफ एम जी एस ओ फोर मल्टीप्लाई में हंड्रेड ऑक्सीजन का मास सिक्सटी फोर चारों ऑक्सीजन का लेना है यहाँ पर टोटल मास वन टवेंटी मल्टीप्लाई में हंड्रेड और यहाँ से परसेंटेज आ गई फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्पेरिकल फॉर्मूला तो इंपेरिकल फॉर्मूला एक केमिकल फॉर्मूला होता है जो रिप्रेजेंट करता है सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रजेंट इन ए मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड किसी भी कंपाउंड का एक मोलिक्यूल है और उसके अंदर जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी सिंपल रेशो को एम्पेरिकल फॉर्मूला बताएगा जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ रहे हैं बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला सी एच होता है अगर हम एक्चुअल फॉर्मूला देखें तो सी सिक्स एच सिक्स होता है लेकिन सिंपल रेशो है यहाँ पर इसी तरह से हाइड्रोजन प्रोक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला एच हो ओ होगा एक्चुअल क्या होता है एच टू ओ टू होता है ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला सी एच टू ओ एक्चुअल फॉर्मूला सी सिक्स एच टूएल्व ओ है मोलिकुलर फॉर्मूला तो मोलिकुलर फॉर्मूला एक ऐसा केमिकल फॉर्मूला होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड किसी भी कंपाउंड के एक मोलिक्यूल में एक्चुअल में कितने एटम्स प्रजेंट हैं वो बताते हैं उसके मोलिकुलर फॉर्मूले के बारे में जैसे बेंजीन का एग्जाम्पल ले लिया तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है सी सिक्स एच सिक्स है इसी तरह से हाइड्रोजन प्रोक्साइड का एच टू ओ टू है ग्लूकोज का सी सिक्स एच है तो ये सभी एक्चुअल नंबर में एटम्स हैं जो वेरियस कंपाउंड्स के मोलिक्यूल में प्रजेंट होते हैं अब हम यहाँ पर देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप नूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर यूज होगी तो जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो बराबर होता है एन इन टू एम्पेरिकल फॉर्मूले के एन यहाँ पर एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और अगर हमें ये नंबर कैलकुलेट करना है तब क्या करना पड़ेगा मोलिकुलर मास को इम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करना पड़ेगा तब हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी और तब हम इम्पेरिकल फॉर्मूला को मोलिकुलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकेंगे अब हम इससे रिलेटेड कुछ नमेरिकल प्रॉब्लम्स ले रहे हैं तो फर्स्ट नूमेरिकल है एन इनऑर्गेनिक साल्ट गिव द फ्लोइंग परसेंटेज कम्पोजन सोडियम है 29.11 नाइन पॉइंट वन वन सल्फ़र 40.51 पॉइंट फाइव वन ऑक्सीजन थर्टी पॉइंट थ्री एट और कैलकुलेट क्या करना है इम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल हैं वो एक टेबल के द्वारा कैलकुलेट होंगे इस टेबल के अंदर सबसे पहले एलिमेंट लिखना है फिर उसका सिंबल लिखना है फिर परसेंटेज लिखनी है एलिमेंट की फिर उसका अटोमिक मास लिखना है फिर हमने मोल की कैलकुलेट करनी है मोल कैसे कैलकुलेट होंगे परसेंटेज को हम ऑटोमिक मास से डिवाइड करेंगे फिर हमने सिंपलेस्ट मोलर रेशो कैलकुलेट करनी है और फिर उस सिंपलेस्ट मोलर रेशो को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के अंदर कैलकुलेट करना है और इस सिंपलेस्ट होल नंबर रेसो से हमारा इम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा तो हम इस नुमेरिकल को सोल्व कर रहे हैं सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन ये तीन एलिमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं सो so, सोडियम का सिंबल एन है सल्फ़र का एस है और ऑक्सीजन का ओ है परसेंटेज हमारी दी हुई है ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन वन फोर्टी पॉइंट फाइव वन और थर्टी पॉइंट थ्री एट अटोमिक मास सोडियम का ट्वेंटी थ्री होता है सल्फर का थर्टी टू होता है और ऑक्सीजन का सिक्सटीन होता है अब हम मोल कैलकुलेट करेंगे तो सोडियम की परसेंटेज ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन वन है और इसका अटोमिक मास टवेंटी थ्री है तो यहाँ से परसेंटेज आ गई वन पॉइंट टू सिक्स सिक्स इसी तरह से सल्फर के मोल कैलकुलेट करने हैं तो परसेंटेज फोर्टी पॉइंट फाइव वन डिवाइड में मास थर्टी टू तो वन पॉइंट टू सिक्स सिक्स आ गई यहाँ पर ऑक्सीजन की परसेंटेज थर्टी पॉइंट थ्री एट है और मास सिक्सटीन है तो यहाँ से मोल आ गए वन पॉइंट एट नाइन सेवन अब हमने सिंपल रेशो कैलकुलेट करनी है तो जो स्मोलेस्ट नंबर आएगा उसके द्वारा सभी को डिवाइड कर देंगे और स्मोलेस्ट नंबर क्या है 1.266 है तो 1.266 को हमने 1.266 से डिवाइड कर दिया तो वन आ गया यहाँ पर भी सेम ही तरह से था तो वन आ गया यहाँ पर 1.897 था तो इसको डिवाइड कर दिया 1.266 से और यहाँ पर 1.5 आ गया अब देखो ये रेशो फ्रैक्शनल है और इसको क्या करना है होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमने क्या किया दो से मल्टीप्लाई कर दिया इसको तब यहाँ से वन मल्टीप्लाइड बाई टू टू आ गया वन मल्टीप्लाइड बाई टू टू आ गया वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू तो थ्री आ गया यहाँ से और इम्पेरिकल फॉर्मूला बनाया इस सिंपलेस्ट होल नंबर रेसो से तो सोडियम सल्फ़र और ऑक्सीजन तीनों के सिंबल लिख लिए और इनके फुट के नियर हमने ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेसो लिख दी तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला बन गया एन ए टू एस टू ओ थ्री अब हम यहाँ पर नेक्स्ट नवेरिकल ले रहे हैं तो एक कंपाउंड कंटेनिंग 4.07 परसेंट हाइड्रोजन ट्वेंटी परसेंट कार्बन एंड 71.65 वन परसेंट क्लोरिन इट्स मोलर मास इज़ 98.96 ग्राम व्हाट इज़ इट्स एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम उसी तरह से हमने टेबल बनानी है यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन ये तीन एलिमेंट हैं सिंबल कार्बन का C होता है हाइड्रोजन का H और क्लोरीन का Cl। परसेंटेज हमारी यहाँ पर न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है ऑटोमिक मास कार्बन का बारह होता है हाइड्रोजन का वन होता है और क्लोरीन का थर्टी फाइव पॉइंट फाइव होता है अब हमने मोल कैलकुलेट कर लिए परसेंटेज ट्वेंटी फोर पॉइंट टू सेवन को ट्वेल्व से डिवाइड किया तो टू पॉइंट जीरो टू आ गया यहाँ पर हाइड्रोजन की परसेंटेज फोर पॉइंट जीरो सेवन को वन से डिवाइड किया तो फोर पॉइंट जीरो सेवन ही आ गया और क्लोरीन की परसेंटेज सेवेंटी वन पॉइंट सिक्स फाइव को थर्टी फाइव पॉइंट फाइव से डिवाइड किया तो टू पॉइंट जीरो टू यहाँ पर मोल आ गए अब इन मोल से हमने सिंपल रेशो बनानी है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू के द्वारा सभी को डिवाइड करेंगे तो 2.02 को 2.02 से डिवाइड किया तो वन आ गया यहाँ पर 4.07 को 2.02 से डिवाइड किया टू आ गया और 0.02 को 0.02 से डिवाइड किया तो वन आ गया ये हमारी सिंपल रेशो आई है और ये सिंपल रेशो होल नंबर में भी है इसलिए इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है हमने कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों के यहाँ पर क्या किए सिंबल्स लिख लिए और ये रेसो हमने फुट के नियर लिख दिया यहाँ पर जिससे हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया अब इस एम्पेरिकल फॉर्मूले को हमने मोलिकुलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो हमें एन कैलकुलेट करना पड़ेगा मोलिकुलर मास बाय द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इम्पेरिकल फॉर्मूला मास हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे और जो मोलिकुलर मास है वो हमारा नोमेरिकल में गिवन है नाइन्टी एट पॉइंट नाइन सिक्स और इम्पेरिकल फॉर्मूला मास फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव आएगा और यहाँ से हमारा एन आ गया टू और हमने टू को इन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और मोलिकुलर फॉर्मूला बन गया सी टू एच फोर सी एल टू थैंक यू